Guys, this is the first time I'm crossing the Ganga River in my life. I have reached Siliguri and yes, I started my journey from here, you know. So guys, good morning from Ara. So I'm going to reach home today. I'm very much excited, okay. And yeah, I wake up very late. I open my eyes around 10 o'clock this morning because I cannot sleep whole night because my ear got infected. It's spinning a lot in whole night, okay. My luggage is all ready. One bag here. Okay, then I'll see you. फटाफट पैक करता है बाद में फटाक से निकलता है. ऑलरेडी कितना अभी 9:30 10:30 हो गया, ठीक है. और घर पहुँचेगा शायद 12 घंटा का जर्नी है इधर से भी, तो घर पहुँचेगा रात को 10:30-11 बजे पहुँचेगा घर, ठीक है. तो गाइस होटल से निकल चुके हैं अभी. अभी थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा था इसके लिए बाहर आके बात कर रहे हैं. कल तो हम लोग उत्तर प्रदेश को ऐसे छू के निकल गए थे बोलेगा तो कवर कर लिया था पूरा यूपी को. और आज का सीन कुछ अलग है भाई. और इधर ना इतना गर्मी है ना भाई, पीछे से पसीना ऐसा छूट रहा है ना, पीछे से भी निकल रहा है. और मेरा पूरा चेहरा भी पूरा पानी हो गया, पसीना हो गया. एक तो इतना जाम है ना भाई इधर. सो गाइस थोड़ा आरा डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बाहर निकल चुके हैं हम लोग. पर मेरे को लगता है अभी ऐसा टाइप का वन लेन वाला हाईवे, सिंगल लेन वाला हाईवे मिलेगा यार. पर ठीक है, कोई बात नहीं. और ये वाला हाईवे भी थोड़ा खाली रहेगा तो ठीक है. पर ये जो क्राउड है ना इधर का, उतना जल्दी पहुंचने वाला नहीं हम लोग. तो ये देखो गाड़ी पे टैक्सी बोले तो ऐसा होता है कितना जन बैक सीट पे बैठा है, कितना जन फ्रंट पे बैठा होगा मालूम नहीं, पर छत्ते पे भी बैठे हैं देखो. और एक बात दिखाता हूँ, ठीक है. सो गाइस लुक एट दिस ब्रिज एंड द ऑन माय राइट हैंड साइड. गाड़ी नहीं आ रहा है तो थोड़ा रोक देगा इधर ही. रिवर, जस्ट टेल मी विच रिवर इज दिस. दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा रिवर है भाई. गंगा रिवर पवित्र बोलते हैं ना एक, तो पवित्र रिवर यही है गंगा. कितना बड़ा है देखो ना, इन्फिनिटी मैन, लवली. चलो थोड़ा रोकने का मन कर रहा था इसके लिए रोक दिया मैं इधर. गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम क्रॉसिंग द गंगा रिवर इन माय लाइफ. ओह माय गॉड, लवली मैन. सच्ची में इतना बड़ा है ना, कितना देखो ऑलरेडी हो गया 3-4 किलोमीटर तो मैं चला गया. जय गंगा माता जी. गाइस लुक एट दिस. एक्चुअली ये वन साइड फोर लेन हाईवे है, ठीक है. वो फोर लेन हाईवे को क्या करके रखा है देखो, प्लेग्राउंड. और धूल मिट्टी देखो आगे खाली. अरे 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 गिरने वाला था मैं. कोई बात नहीं, प्लेग्राउंड है भाई, हाईवे नहीं है देखो. अरे ओके, छपरा जाने का इस तरफ, सीवान जाने का इस तरफ, हाजीपुर जाने का मुजफ्फरपुर उधर. ओके तो हम लोग को जाने का अभी लेफ्ट के तरफ, ठीक है. नाश्ता में कुछ मिलेगा क्या? लिट्टी मिलेगा, चाहे बर्फी नमकीन होगा. क्या है वो? बर्फी नमकीन है ना तो लिट्टी. लिट्टी बोलेगा तो? हाँ लिट्टी मिलेगा. क्या है वो? जो खाएगा तो वो मिलेगा. वो नमकीन वाला दे दो ना.
ओके सो टाइम अपडेट इज ऑलरेडी 12:19। इधर चाय पिया, अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि लेट से उठा यार। इधर से और 9 घंटा का टाइम दिखा रहा है, पर कोई बात नहीं, वैसे भी आज घर ही पहुँचने गए। सो ये दूसरे टाइम गंगा नदी फिर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। मस्त गंगा नदी, द होली रिवर ऑफ इंडिया, बिहार का ना गाइस। हर एक मोड़ पे और एक मार्केट पे ऐसे ही है, एवरी टाइम एवरी डे आप बोल सकते हो। थोड़ा थोड़ा ये भी डाल देता है, चिन भी बहुत ड्राई हो गया था। एक आ है ससुरी, ओ ससुरी एक आ है। टाइम तो ऑलरेडी 1:25 हो चुके हैं भाई, और खाली हम लोग 3 घंटे में 120 किलोमीटर ही चला पाए हैं। तो गाइस थोड़ा मुजफ्फरपुर से थोड़ा आगे आ चुके हैं हम लोग, और इधर से कनेक्ट होएगा मोतिहारी, और लखनऊ जाने वाला भी रास्ता इधर से ही है। देखो इधर अपना मर्जी से चला था भाई, कुछ भी बोलो यार, मानना पड़ेगा इधर का ड्राइवर का कितना मतलब साहसी, साहस बहुत है भाई, ब्रेव, बहुत ब्रेव, डरता नहीं, मानना ही पड़ेगा यार। अरे भाई परेशान करके रख दिया इधर का सबसे यार, और इतना बड़ा बड़ा बस पूरा रॉन्ग साइड पे आता है, हाँ, और कोई बिना सिग्नल देते हुए फटाक से टर्न मार देता है, हाँ, और ऐसा आँख फुला के देखता है भाई, क्या बोलेगा। नहीं तो बच्चे लोग ऐसा फटाक फटाक के बाहर निकल जाता है, बूढ़े लोग भी यार। देखो देखा आ गया, ऐसा आ गया, बस पीछे वाले के पास ब्रेक है, बस उतने ठोक दिया, मर गया बस। तो फाइनली गाइस 4 लेन वाला अच्छा वाला खासा वाला रास्ता मिल चुका है हम लोग को। ओके गाइस सो इधर से मधुबनी 17 किलोमीटर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट 202, एंड गुवाहाटी 826, और सिलचा 1152, और सिलगुड़ी है 305 किलोमीटर। 4 घंटा में खाली में 200 किलोमीटर गया। चलो गाइस लंच भी हो गया इधर, चलो इधर से लंच भी हो गया, पूरा पेट भर के खाना खा लिया है, अभी और नींद आएगा बोल के डर लग रहा है मेरे को। ओके गाइस सो दिस रिवर इज कॉल्ड कोसी, दिस इज कोसी रिवर। ये पूरा नेपाल से बिहार होके जाता है, बाद में गंगा मैया के साथ फिर धुल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो यही है कोसी रिवर। कोसी भी बहुत बड़ा नदी है भाई, देखो तो कोसी रिवर ना तो बारिश के टाइम पे ना ये पूरा भर जाता है, कितना लंबा है देखो, बाप रे बाप बहुत लंबा है यार। तो मज़ा आ रहा है राइड करने को, थोड़ा बीच में वो जब गांव-गांव से गुजरना पड़ रहा था ना, गांव-गांव से गुजरना पड़ रहा था वो टाइम पे थोड़ा हेक्टिक टाइप का राइडिंग था, ब्रेक मारो, थोड़ा स्पीड भी चलाने का नहीं मिल रहा है, ये वो पब्लिक इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है, एक नहीं गाड़ी घुमा रहा है किधर भी, और इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, किधर से आ रहा है गाड़ी। सो गाइज वी हैव रीच्ड सिमराही करके एक जगह है बिहार का, जो NH 57 पे पड़ता है, तो ये NH 50। और ये ना मॉन्स्टर तो मिला, पर इसका ऊपर देखो ना इतना गंदा है ना भाई, छी।
ओके, मॉन्स्टर मॉन्स्टर हो गया और गाना सुनो खाली। सही है गाना है ना, रेड बुल तो नहीं मिला, मॉन्स्टर पी लिया। देखता है मॉन्स्टर कितना मेरे को मॉन्स्टर बनाएगा। मॉन्स्टर मेरे को भूत ना बना दे, वही बोल रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरा छाया उधर। आई डोंट नो गाइस बट आई रियली लाइक टू सी माय ओन लाइक शैडो मिरर यू नो व्हाइल आई एम ऑन द बाइक। कुछ भी बोलो पर एक अच्छी बात है, इधर गाय वगैरह बकरी वगैरह को ना बांध के रखता है इधर। मैं मध्य प्रदेश में देखा था ना भाई, मैं बाप रे बाप क्या बोले, मैं तो मरते मरते बच भी गया था यार। देखो सबका मतलब गले पे एक एक धागा बांध के उधर लकड़ी उधर गाड़ दिया है और उधर से वो लोग भाग नहीं पाएगा, मतलब फिक्स है वो। उधर अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है उससे हम लोग अंदर जो सिलगुड़ी की तरफ जो वन लेन सिंगल लेन हाईवे है ना उधर पहुंच गए हम लोग और चालू हो गया इधर फुल टू धमाका, आदमी लोग का बाजार, भीड़ भाड़, एकदम पसीना छूट रहा है अभी। शाला तो अभी इधर से और हम लोग को 3 घंटा 10 मिनट लगने वाला है सिलगुड़ी पहुँचते। थोड़ा खुला मिला तो भगाओ भाई। सो गाइज इट्स ऑलरेडी नाइट यू कैन सी एंड नाउ 100 किलोमीटर लेफ्ट फ्रॉम हियर, सो इट विल टेक लाइक मोर देन 2 आवर्स आई गेस बिकॉज 40 किलोमीटर पर आवर आई विल गो बिकॉज इट्स नाइट ऑलरेडी। सो आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लोली बिकॉज या सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो गाइज फाइनली आई एम एंटरिंग वेस्ट बंगाल, दिस इज चेक पॉइंट ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो गाइज फाइनली आई हैव रीच्ड सिलगुड़ी, यस आई हैव मेड दिस एंड यस आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम हियर यू नो। आज ना बहुत मतलब एक्साइटेड है कि जैसे कि मैं ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं काम पे जाता हूँ ना तो 9 महीने बाद घर आता हूँ ना, ऐसा फील हो रहा है। अभी सिलगुड़ी ना सिलगुड़ी भी इतना पॉपुलर हो गया ना भाई, इधर किधर किधर का आदमी लोग नहीं आते। देखो आप लोग को मैं बोलता है ठीक है, आगे बिहार का गाड़ी है, दिल्ली का गाड़ी है, पर एक बात बोलता हूँ ठीक है, बिहार में खाली बिहार का ही नंबर दिखा और दूसरा जगह का नंबर ही नहीं दिखा मेरे को, देखने को ही नहीं मिला। जैसे कि मध्य प्रदेश में गया उधर किधर किधर का था नंबर ठीक है, पर बिहार में मिला नहीं। कुछ किसी को मतलब आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके तो फाइनली हम लोग सिलगुड़ी तो पहुँच ही गया है, तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अ फ्रेंड सो दैट दे विल नो। ऑलराइट टाटा बाय बाय सायोनारा।